हेलो, मैं आयन दत्ता ISTE शिपपुर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी करेंटली फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो मैं इसी साल गेट 2024 CE दिया हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 733 आया है। तो मैं अभी यहाँ पे कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ कि देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एक कॉलेज गोअर होता है या कोई कॉलेज से पास आउट भी होता है। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब पहली बात है कि जो कॉलेज के रहते हुए कर रहे हैं, तो कॉलेज में रहते हुए थोड़ा सा कॉलेज का प्रेशर रहता है कि सेमिस्टर में अच्छा मार्क्स भी लाना है, प्लेसमेंट्स भी होता है। तो उनके साइड से कि तुमको टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना होगा कि कैसे टाइम मैनेज करके तुम सबको बैलेंस कर पाओ। तो अपना प्रायोरिटीज सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको 4 साल बाद कहाँ पे जाना है। तुमको आइदर अच्छे IITs या NITs, जो भी तुम्हारा हायर स्टडीज़ में जाना है, या फॉरेन में जाना है, या तुमको प्लेसमेंट्स में जाना है, तो ये तुमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुमको हायर स्टडीज़ में जाना है, तब तो गेट ही एकमात्र ऑप्शन है, तो उसके थ्रू तुमको जाना पड़ेगा। अब इसका जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी सिंपल है कि तुमको जो बेसिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके पहले इसका देखना पड़ेगा कि कैसे वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है, जैसे स्ट्रक्चरल से कम आता है, लेकिन जो भी आता है काफ़ी सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं। अब जो जियोटेक्निकल है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, एनवायरमेंटल का वेटेज ज़्यादा रहता है, ट्रांसपोर्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है, और जो WRE है उसमें OCF से क्वेश्चंस आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब का जो PYQ है उनको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। लास्ट जितने भी ईयर्स का PYQ अवेलेबल है सबको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे किसका वेटेज ज़्यादा रहता है। अब जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है उस पर तुमको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। अब जो तैयारी है वो लगभग सेकेंड ईयर से कर पाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अगर 3 साल का तैयारी होता है तब जाके एक अच्छे से रैंक होगा, क्योंकि कंपटीशन अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब सिविल में काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है कि हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, उसमें IITs हो गया, NITs हो गया, या फिर तुम PSUs में भी जा सकते हो। PSUs में रैंक अगर अनरिजर्व्ड होते हैं तो अंडर 500 तक चांसेस बनता है। अब ओल्ड IITs जो है उसमें से 1300 तक चांसेस बनता है, और जो न्यू IITs है उसमें से लगभग 2000 तक चांस बनता है अगर अनरिजर्व्ड हो, जनरल हो। तो इस हिसाब से तुमको अपना कैपेसिटी के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करना है कि तुमको कितने अच्छे से तुम प्रिपरेशन ले पाओगे, उसके हिसाब से तुमको प्रायोरिटी सेट करना है। और जैसे प्रायोरिटीज़ या गोल सेट करोगे उसके हिसाब से तुमको एफर्ट्स भी डालना है। तुमको सबसे पहले कि क्लास कितने जा रहे हो उस पर देखना होगा कि क्लास कौन सा जाने में फ़ायदा हो रहा है, उन सब क्लासेस जाना होगा। अब क्लासेस ज़्यादा मिस भी नहीं कर सकते क्योंकि अटेंडेंस का भी लोचा हो जाता है, तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। अब जो आता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको ज़्यादा कंफर्टेबल किस में आ रहा है, कौन से। एक तो कि कोचिंग का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब वो कोचिंग चाहे MEDIZY हो या IAS मास्टर हो, ACE हो, गेट एकेडमी हो, जो भी हो, तुमको उसको लेना पड़ेगा। बेटर होगा कि उसको अगर जो पोस्टल पैकेज आता है या जो बुक्स आता है उससे पढ़ाई करो। उसमें एक कॉन्साइज वे में सब कुछ दिया रहता है जो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो सब थोड़े शॉर्ट में दिया रहता है। अब उसके लिए तुमको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, वो सब अच्छे से जो पढ़ाया जाता है, क्लासेस में नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ाया जाता है उनको अच्छे से फॉलो करो। जो कॉलेज में टेक्स्ट बुक्स पढ़ाए जाते हैं उससे जो कॉन्सेप्ट्स मिस आउट हो रहा है उनको देखो। ऐसे देख के तुमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जो है वो एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से MEDIZY बेस्ट है टेस्ट सीरीज के नाम पे। तो MEDIZY का जो टेस्ट सीरीज है वो जितना जल्दी हो सके ले लो। उसमें तुमको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, कुछ टॉपिक्स को क्लब करके भी टेस्ट मिलता है, फिर फुल सिलेबस टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, तो बहुत सारा टेस्ट मिलेगा उसमें। जैसे जैसे तुम एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उनका नोट्स बनाओ, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए। जो भी तुम पढ़ रहे हो उनका एक नोट्स होगा कि थोड़ा सा डिटेल्स में, और एक नोट्स होगा कि बहुत ही शॉर्ट बस फॉर्मूलाज लिखा हुआ, ताकि वो एग्ज़ाम के पहले जो एक हफ्ता टाइम मिलता है उसमें जो सिर्फ जो फॉर्मूला है उन सबका रिविजन तुम कर पाओ।
तो ऐसे करके खुद का प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटजी में बदलो। अब यूट्यूब में भी कई सारा स्ट्रेटजी का वीडियो मिलेगा, गेट वाला का मिलता है या मेडिसी का भी मिलता है या कुछ बायजूस का भी मिलता है, 1 ईयर प्लान मिलेगा, 2 ईयर प्लान मिलेगा, तो उन सबको देखो, देख के खुद का स्ट्रेटजी बिल्डअप करो। अब उसके बाद एक टाइम टेबल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि ये नहीं था, वो इवेंट था, उसमें खेलने गए थे, वो पार्टी में गए थे, ये सब एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। एक दो साल, अगर 2 साल के 3 साल के बाद अगर अच्छा रैंक चाहिए तो खुद का प्रायोरिटीज समझना पड़ेगा, कुछ का वैल्यू ऑफ लाइफ समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब जो टेस्ट सीरीज़ तो बोल ही दिया हो कि टेस्ट सीरीज़ एकदम ऑनेस्टली देना है। अब टेस्ट सीरीज़ देने के बाद जो गलतियां होता है उसका उसी दिन एनालिसिस करना है, फिर से दोबारा उसको रिवीजन करना है। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो जो तुम आज पढ़ रहे हो या फिर तुम अगर तुम एक टॉपिक के लिए 4 दिन या 5 दिन लगाए हो या 1 वीक लगाए हो, तो 1 वीक में ट्राई करो कि उसको फिनिश करने के लिए, जैसे भी हो उसको फिनिश करने के लिए। अगर आगे जल्दी हो जाता है फिर उसको रिवीजन दो, लेकिन ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत हो जाना, थोड़ा सा खेलकूद भी ज़रूरत है। लेकिन सब कुछ वही मैं बोला कि टाइम टेबल एक बनाना है, एक शेड्यूल फॉलो करना है, जिसमें सब कुछ होगा, क्लास भी होगा, कॉलेज का पढ़ाई भी होगा और फिर गेट भी होगा और फिर उसके साथ साथ खेलकूद भी होगा और नींद भी होगा, तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज़ तो ऑनेस्टली देना ही है, अब जो पढ़ाई कर रहे हो उसको भी ऑनेस्टली करना है, तो जो नोट्स बना रहे हो उसको भी अच्छे से बनाना है, तो एक फ़ाइल में हो सके कि एक एक पेज में एक एक टॉपिक का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उन सब का एक अलग सा नोट्स बना लो, और दूसरे फाइल में जो भी उसका इम्पोर्टेंट थ्योरीज है उन सब का एक अलग सा नोट्स बना लो, तो तुम्हारा 2 नोट्स बन जाएगा। अब जो एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद जब रिविजन स्टार्ट करोगे तब फिर से वो बुक में मत जाओ, तब वो नोट से रिवाइज़ करो, तो तुम्हारा नोट से रिवाइज़ करने का एक आदत बन जाएगा जो कि बाद में एग्ज़ाम से जस्ट पहले तुमको फ़ायदेमंद होगा। अब जो है कि सिलेबस, जैसे गेट एग्ज़ाम जिस साल में दे रहे हो, जैसे फरवरी के स्टार्टिंग में गेट एग्ज़ाम होता है, तो ट्राई करो कि दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि दिसंबर के बाद जो जनवरी का मंथ मिलता है उस मंथ में मेनली जो मॉक टेस्ट होता है, जो फुल सिलेबस एडवांस्ड फुल सिलेबस टेस्ट होता है मेडिसी का, वो सब शेड्यूल रहता है, तो उन सब दोगे तो काफ़ी उसमें हो सकता है कि मिस्टेक्स आए, तो उन सबको रेक्टिफाई करने के लिए तुमको 1-2 दिन देना पड़ेगा। अब उसके बाद भी तुमको थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कि टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का, कॉलेज का एग्ज़ाम्स भी तुमको मैनेज करना पड़ेगा, कुछ फेस्टिवल्स भी आएगा, तो वैसे तुमको जितना जल्दी हो सके तुमको सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, जैसे दिसंबर में बोल दिया, दिसंबर के बाद कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। अब हो सकता है कि तुम वेटेज देखने के बाद कुछ टॉपिक छोड़ दिए हो, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से थोड़ा सा कम आता है, सर्वेइंग से थोड़ा सा कम आता है, लेकिन कुछ कुछ साल में इन सब से भी ज़्यादा आया है, तो ज़्यादा वेटेज पे भी मत जाना है। हाँ, वेटेज में क्यों जाना है कि जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा वेटेज आता है वो सब तो 100% इम्पोर्टेंट है, तो उनको सबसे पहले करना है, फिर जैसे जैसे वेटेज डिक्रीज होता है वैसे वैसे तुम बाद में कर सकते हो। लेकिन जो जनवरी का महीना है उसमें कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, उसमें बस जो चीज़ें पढ़े हो उसी को बहुत बार रिवाइज करना है, ताकि कोई भी तुम्हारा फॉर्मूला या कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, क्योंकि टाइम एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है एग्ज़ाम में, क्योंकि 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 65 क्वेश्चंस तुमको करना होता है, उसमें जितना अच्छा तुम स्कोर कर पाओ उतना ही बेटर होता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हर टेस्ट में तुमको कितना नेगेटिव आ रहा है वो देखना है, नेगेटिव को जितना हो सके घटाना है, नेगेटिव मार्किंग को, तो उसका प्राइम फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जो तुम स्कोर कर रहे हो उससे भी घट रहा है अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको ध्यान देना है। अब ज़्यादा कोचिंग मतलब मल्टीपल कोचिंग्स में मत जाओ, किसी एक कोचिंग में फोकस करो जो तुमको अच्छा लगता है। अब YouTube में भी काफ़ी वीडियोस मिलेगा, कोचिंग का भी बुक्स मिलता है, पहले वो सब बुक्स पढ़ो, फिर अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसका टेक्स्ट बुक में देखो या फिर YouTube में देखो, जिसमें तुमको कन्वीनियंस हो। अब वैसे ही प्रिपरेशन करते रहो, खुद में कॉन्फिडेंस रखना, खुद में बिलीव रखना कि हाँ मुझसे कुछ होगा तभी तुमसे कुछ होगा, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करो। अब और तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, जैसे खुद का प्रायोरिटीज़ होगा, जैसे खुद का इच्छा होगा, मतलब जैसे लक्ष्य होगा वैसे ही एफर्ट्स डालना चाहिए। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कम आ रहा है टेस्ट में, तो देखो कि कैसे कहाँ पे कम आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने का कोशिश करो, तो ऐसे करते रहो,
मेहनत करते रहो, एक दिन ज़रूर सफल होगे। हेलो, जो पिछले वाला वीडियो था वो बेसिकली कॉलेज गोअर्स के लिए था, कॉलेज गोअर्स के लिए स्ट्रेटेजी था। अब आता है कि नॉन कॉलेज गोअर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनता है, जो एक साल ड्रॉप ले चुके हैं या दो साल ड्रॉप ले चुके हैं। अब इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ड्रॉप लेना। अब ड्रॉप लेने का कुछ मतलब प्रोज है, कुछ कौन सा है। एक पहले प्रोज में आते हैं कि तुमको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, एक मतलब बेटर फोकस्ड रहता है, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस होता है कॉलेज का वो सब नहीं मिलता है, एक शांत एनवायरनमेंट मिलता है। तुम अगर चाहो तो घर के कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर अगर कोई कोचिंग लेना चाहते हो, कोई मतलब ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मतलब पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन इसका कौन ज़्यादा है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो बाकी दोस्त है वो हो सकता है कि कोई कोई प्लेसमेंट्स में चले गए, या किसी का गेट अच्छे से हो गए, कोई आईटीज में चले गए। अब एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है कि अभी लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है फ़ोन में या लैपटॉप में, इधर उधर के मूवीज़ में, गेम्स में, तो ये सब काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आता है। तो इन सब से बचना चाहिए, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए कि हाँ, मैं एक साल ड्रॉप लिया हूँ, लेकिन अब एक साल के बाद जो होगा, जो एक साल पहले किए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इस बिलीफ लेके चलना है, इस कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि हाँ, मुझसे एक साल बाद सबसे अच्छा होगा। इसी को अगर तुम इसी पे फोकस करके चलोगे तब बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो जैसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो तुमको ज़्यादा मेहनत भी करना होगा। तो इसलिए जो मतलब ड्रॉप ले रहे हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम IAS का कोचिंग लो, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन करो, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो तुम बेसिक फोकस, प्राइमरी फोकस इंजीनियरिंग सर्विस में दो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा गेट तो कवर अप हो ही जाएगा, अब तुम इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब उसका एग्ज़ाम भी देना दे पाओगे, उसमें भी जा पाओगे। उसका सिलेबस जो होता है गेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें क्या, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लेना मतलब डिवोट करना होता है, तो उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगता है। अब उसके लिए कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फार्मूलाज एकदम एट द फिंगर टिप्स होना चाहिए, तो उसमें मेहनत तो ज़्यादा लगेगा ही। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो टोटल डे टाइम है उसको दो भाग में डिवाइड कर लो, या 1/3 उसका गेट में दो, 2/3 उसका IAS में दो। ऐसे करके तुम अपना जो प्राइमरी फोकस है उसमें डटे रहो, कि तुमको एक साल ड्रॉप लिए हो तो अब गेट में जाना है या डायरेक्ट इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है वो पहले डिसाइड करो। अगर लगता है कि गेट में जाना है, तब गेट में फोकस ऐसे बनाओ या एम्बिशन ऐसे बनाओ कि तुम एकदम IAS हो या IIT बॉम्बे या मद्रास, ऐसे टॉप कॉलेजेस में जा सको, ताकि तुम्हारा जो एक साल लॉस हुआ है उसका भरपाई हो जाए। तो जो मैं पिछले वीडियोस में बोला, वो स्ट्रेटेजी लगभग वैसा ही है कि तुमको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उस सबको बिल्डअप करना है। अब तुम एक साल ड्रॉप लिए हो तो तुम्हारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स तो बिल्डअप हो ही चुका है, तुमको मिस्टेक्स भी पता है कि पास्ट मिस्टेक्स क्या था, अब उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब तुमको टेस्ट ज़्यादा देना है और फार्मूला ज़्यादा रिवाइज करना है। इसमें क्या होता है कि बच्चे काफ़ी थक जाते हैं कि क्योंकि इतने सालों से एक ही पढ़ाई कर रहे हैं, अब कितना और पढ़े। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इधर उधर की बातों में उलझाना नहीं है। तो इसी तरह खुद पे विश्वास रखो कि एक साल ड्रॉप लिए है लेकिन एक साल बाद जो होगा वो वर्थ इट होगा। तो अब अगर कोई IAS का तैयारी कर रहे तब तो कोई कोचिंग हो सके ले रहे हो तो उस कोचिंग पे फोकस करो, या कोई गेट अगर तैयारी कर रहे तो हो सके तुम भी कोई कोचिंग ले रहे हो तो उस पर भी फोकस करो। तो जो भी कर रहे हो अपने लगन के साथ करो, एक साल के बाद अच्छा हो ही जाएगा, मेरा विश्वास है। ठीक, थैंक यू।